লাই क्या हाल चल रहा है यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब खैरियत वापस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत सही से हैं और आप सबको जश्न की जहां में स्वागत है। और आप अपने घर वालों को हमारी सलाम जरूर देना। और आज हम रेडी हो चुके हैं, या बाया हमने खुद बनाई है अपने हाथों से। हमने इससे पहले पिकनिक पर इसको कैरी किया था और हम आज जा रहे है दुल्हन के घर उसको हल्दी लगाने के। ऐसे भी पहन सकते हैं या फिर कोट के बिना भी पहन सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक हमने यूट्यूब से देखकर ही बनाया था इसको। अच्छी है ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी की सारी तैयारी हो गई है और हम थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे हैं अभी हल्दी के लिए। जी हम निकल पड़े भाभी जान के घर के लिए और सबने ना येलो कलर की साड़ी पहने थे तो हमने ब्लू और येलो कलर की अबाया पहन लिया। और सब लोग वीडियो के सामने नहीं आते तो हमने इमोजी डाल दिए और बात करते करते हम जहाँ जाना चाहते थे हम वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँच के सबको सलाम किया और थोड़ी सी हमारी मतलब खुद की वीडियो शूट करने लगे आईने के सामने। हमने चाहते ही सबसे थोड़ा बहुत बातचीत की और उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली और खाने के लिए बैठ गए। हाँ वीडियो हम थोड़ा सा लेट डाल रहे हैं क्योंकि हमारी बीच में ना तबीयत ख़राब हो गई थी शादी के बाद, तो इसलिए हमने एडिट भी नहीं किया और रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो अब जाकर रिकॉर्ड करके हम अपलोड करेंगे। उसके बाद सबकी हाथ साफ करने लगे, ऐसे हमारे यहाँ पर रिवाज है, ऐसे सबकी हाथ साफ किया जाती है। उसके बाद बहुत सारे नाश्ते लाए थे, हमने बहुत मज़े से खाए थे। जी उन्होंने नाश्ते में ना बहुत ही मज़े के नाश्ते दिए थे, जैसे कि लूची थे और मिठाई और दो तरह के मीट थे, जैसे कि चिकन थे और बीफ थे और बहुत ही मज़े का बना था। तो हम सब नाश्ता कर रहे हैं, आपने कमेंट पे बताया आपको इसमें से मतलब कौन से मिठाई अभी खाने का दिल चाह रहा है। हमें ना येलो वाली जो सॉन्देश है वो अभी दिल चाह रहा है। और एक बात आप लोग प्लीज़ कोई ऐसा कॉमेंट मत कीजिएगा हमारी सिस्टर के ऊपर। देखिए जैसे हमने अबाया कैरी किया है और उन लोगों ने अबाया नहीं कैरी किया, इसलिए हम अच्छे हो गए और लोग बुरे हो गए, ऐसे नहीं है। सबकी अलग अलग सोच है और हमारी सोच अच्छी है, उन लोगों की सोच बुरी है, ऐसे भी नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, जैसे हम में बहुत सारी कमियां और खामियां हैं। कमियां और खामियां से ही तो इंसान बनते हैं ना। और हम खुद को परफेक्ट नहीं मानते, हम भी बहुत हमारी कोई परफेक्ट नहीं है, हम में बहुत सारे खामियां हैं। ठीक एक कहेंगे कि सबके साथ साथ हमें भी अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि अल्लाह ताला ही जानते हैं कौन नेक है कौन नहीं है, किसका ईमान ठीक है किसका ईमान ठीक नहीं है। हम में इतनी पावर नहीं है कि हम किसी इंसान को जज कर सके। तो प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, सब अपनी जगह ठीक है, जब उनको पहनना होगा तो पहन लेंगे। और हम किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहते कि वो पहने, क्योंकि अबाया बोले ना वो हिजाब जो होता है वो खुद के अंदर से आना चाहिए। जी हमने हिजाब किया है, हम करेंगे हिजाब, किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। और बात तो कुछ ऐसी है, हर इंसान में बुरी चीज़ के साथ अच्छी चीज़ भी होती है, हर इंसान में। तो बुरी चीज़ को छोड़ के हमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए इंसानों में, है ना। तो उसके बाद ना हमने खाना पीना करने के बाद हमने भाभी जान को रेडी करके थोड़ा सा शूट कर लिया। वीडियोग्राफी हो रही थी वहाँ पर, नीचे लाकर कुछ रस्में थे हम उसको पूरा कर रहे थे। मतलब बात किया जाए ये सारी रस्म ना हमने अभी मतलब अभी ऐड किया है, लेकिन पहले जो
सारी निगाह होती थी ना, उसमें सारी चीज़ें नहीं होती थी, सिंपल तरह की निगाह होती थी। लेकिन अभी तो हल्दी ले जाना, मेहंदी, संगीत ऐसे वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन पहले का निगाह में जब हम बहुत छोटे थे ना, तब ऐसा सब कुछ नहीं होता था। अच्छा, आज की बातों में ना हमारी वॉइस की टोन थोड़ा सा अलग है, हम बोल कुछ और रहे हैं और साउंड कुछ और रही है, क्योंकि हमारी गला बैठ गई है। तो अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक के ऊपर एक हमने वीडियो शूट किया, सबकी मतलब सबकी फैमिली की हमने शूट नहीं किया, हमने थोड़ी बहुत क्लिप ऐड किया है यहाँ पर। आप लोग बोलना हमारी भाभी जान कैसी है और हम कैसे लग रहे सब आए हमें, ठीक है। और हमारी छोटी बहन और सबसे छोटी छोटी मेंबर, उन लोगों की शूट करते हुए। और पता है इस जगह पर ना हर कोई फोटोग्राफर बन गया था, हम भी बन गए थे, सब लोग फोन निकाल के वीडियो शूट करने लगे। जी, शूट करने के बाद भाभी जान की हल्दी सेरेमनी हमने स्टार्ट कर दी। पहले तो भाभी जान की अब्बू और अम्मी भाभी जान को हल्दी लगाए, उसके बाद एक एक करके हम सारे जो गए थे सब लोग हल्दी लगाए भाभी जान को। भाभी की अम्मी हल्दी लगाने के बाद सब लोगों ने हल्दी लगाई, उसके लास्ट में हमने हल्दी लगाई। हल्दी लगाने के बाद हम थोड़ा देर रुक के वहाँ पर घर आ गए। बहुत गर्मी हो रही थी और बहुत इरिटेशन भी फील हो रहा था। घर आके हमने बहुत सारा रेस्ट किया, पूरा दिन का बहुत कुछ किया, और अपनी छोटी बहन हल्दी लगाते हुए। उसके बाद क्या किया था हमने, बोलते हैं अभी के, और यही हम हल्दी लगाते हुए ऐसे करके हल्दी लगाते हैं। उसके बाद सीधे शाम को या 7 या 7:30 बजे हम ये शूट कर रहे हैं, जब डेकोरेट वाले भैया यहाँ पर आकर डेकोरेट कर रहे थे तब हम शूट कर रहे हैं। कैसे मेसी हो पड़ा है, अब थोड़ा सा हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग एंजॉय करें इसको। I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Is frozen. I need your help. 'Cause people always let me down. I'm losing all my air right now. I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, I promise I surrender. I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Astaghfirullah. Forgive me, oh Lord.
जी हम यहाँ पर पूरियाँ बेलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि देखे हम रोटियाँ बेल लेते हैं, पराठे भी कर लेते हैं, हाँ पूरियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन आटे से बेले हुए हम ना तेल से बेल रहे थे तो हमसे ना हो पा रहा था। कभी इंडिया का मैप, कभी पाकिस्तान के मैप हो रहा था। थोड़ा एक बहुत गोल हुआ तो हम दिखाने लगे, देखो देखो हमारा गोल हुआ है, अब देखना ठीक है। हमारा ना हमेशा और टेढ़ा मेढ़ा ही पूरी होती है। अब खाने के बाद पेट में जाकर ठीक ही तो हो जाता है ना, होने दो, इससे क्या हो जाता है है ना। और इस जगह पे हम शूट भी ना करते, हम भूल गए थे, लेकिन हमारे भाईजान की जो लड़का है वो बोलने लगे कि भाईजान हमें फ़ोन दे दो, हम आपके शूट करेंगे, आप गोल गोल पूरी बना रहे हो इसलिए सबकी शूट करेंगे, इसलिए हम उसको मोबाइल थमा के हम बैठने लगे। उसके बाद हमने नाश्ता करने बैठ गए। आप देख के बताओ गोल और टेढ़े मेढ़े में कुछ समझ आ रहा है, पेट में जगह सब सही होनी है, और इसको देखो सुपरमैन बने घूम रहा है हम भी बचपन में ऐसे करते थे। और सबको खिलाते हुए सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा शूट कर लिया। उसके बाद सारी वीडियो थोड़ी 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 के बना रहे थे हम। यहाँ पर खाना पक रहा था घर के पीछे, और हमारी बुरी हालत हो रखी थी क्योंकि सारे धुआं जो है हमारे घर के अंदर जा रहे थे। हम सारी रात हमारे रूम पे नहीं सो पाए, हम दूसरे के रूम में सो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर खीर खिलाने बैठ गए, केक था और बहुत कुछ थे ठीक है। दूल्हा तो नहीं खाया, पास में जो बेटा है सब लोग हाथापाई करके खा लिए, हम भी थोड़ा सा खाए थे, थोड़ा सा एकदम और हमसे पूछे जब हमारी बारी आई खिलाने की, हमने ना कोई पैसे कोई गिफ्ट नहीं दिए थे तो सूट करने के लिए हम यूं ही खिला दिया। हमने रेडी भी नहीं हुए थे तब, काम कर रहे थे, काम कर रहे या फिर रेडी हो, सब लोग रेडी होकर घूम रहे हैं और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और पता है हम जब खिलाने गए थे ना, सब लोग हमें चिकन चाहिए, हमें केक चाहिए, हमें ए दीजिए, हमें ओ दीजिए, ऐसे करके बोल रहे थे सारे जो बच्चे थे। और हमारे बड़े बड़े भाई भी थे, वो भी बोल रहे थे हमें चिकन चाहिए, तो हम सबको खिलाने लगे। और हम बोल रहे थे कि हमें मार पड़ेगी अभी कोई बड़ा आएगा और हमें डांट के यहाँ से भगा देगा, सबको हम ही खिला रहे हैं, बाकी मेहमान क्या खिलाएंगे। देखिए कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इतनी सारी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी यादें ही तो हैं जो बाद में हम सबको बहुत याद आने वाले हैं कि हमने बचपन में ये किया था, हम भाई बहन ये करते थे वो करते थे, कितना मज़ा आता था। बाद में जब सोचेंगे हमें पछतावा होगा, है ना। आप बोलो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या है ना, महक ने बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं और कोई उसको केक लगा दिया। उसके बाद हमने और कुछ शूट नहीं किया था, हम सबके साथ एंजॉय करने लगे और हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने खाना खाने बैठ गए। खाने में क्या था, टॉक दाल थे, दाल आम की दाल, और क्या थे, बीफ थे और सफ़ेद चावल थे। खीर पीटे के दिन यही होता है ठीक है, और बहुत अच्छा बना था। मम्मा आलू कोई कोई आलू कोई कोई आलू कोई ओए तो ओटा की ओटा की ओटा की आलू तुम्ही भात खेचो हां खेचो लाई पानी पानी हां एचे हवा कोई बनो हवा মা কি করছে মা কি করছে মা খাচ্ছে
की खाच्चे? जी खेजी। की खाच्चे मनु? मामा की खाच्चे? लाइट बॉल। मामा की खाच्चे बोलो? अम्मा की? अम्मा भात खाच्चे? भात? जाओ नी, घुमा गो, पिंगी आगे का चले जाच्चे गो। চলাসো লাইট না লাইট নয় উঠাসো পড়ে যাবে মাম্মা লাইট কয় কো লাইট কয় একটু ঘুরু ঘুরু করো নাচু ঘুরু এরম এরম ঘুরু কি দেখি হাতে কি কয় হাতে কি হাতে কি দেখি দেখি দাও কি দেখি কয় কি মাগো আমি তো মেহেন্দি পড়বো ভুলে গেছি। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दिन गया हमारा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर भूल चूक हो जाए अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखे। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट सब्सक्राइब देखने के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।